हे व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और देखिए 5 बजे उठने की बातें चल रही है, क्योंकि आज भी लेट हो गया है, रोज लेट ही हो रहा है उठने में। तो आज बज गए हैं 12 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। वहाँ पर मेरे को एक या थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े रखने हैं। और कल अपन लोग निकल रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पर। वो कौन सी जगह है वो आपको आप लोगों को कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। आज तो मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ नहीं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने वाले घर पर, ये वाले घर से। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी देखिए हम लोग मस्त वापस प्रमुख चौक के अंदर आ चुके हैं, मस्त एकदम फ्रेश हो चुके हैं, एकदम ही बढ़िया वाले। और देखिए चार्जर भी मैं मतलब भूल गया था बोले घर पर, तो मेरे फोन में अभी चार्ज नहीं है, कल रात का नहीं है बेसिकली। तो क्या अभी इसको मस्त एकदम चार्ज वार्ज को लगाते हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मस्त अपना दूसरा वाला व्लॉग भी अपलोड हो रहा है और बज रहे हैं यहीं कहीं 2:30 के आसपास। तो मस्त एकदम व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। और आज धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और अभी हमें कुछ काम है कतारगाम साइड, तो उधर हम लोग मतलब कतारगाम में ही है, मतलब इधर सिंगड़पुर चारस साइड, तो उधर हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ 20 का डब्बा लेना है फैक्ट्री के लिए। तो अभी वो सारा काम निपटाते हैं और फिर मैं आप लोगों को मस्त एकदम मिलता हूँ। अभी एकदम लोकेशन पर तो पहुंच गए, पर वो भाई को है ना दुकान नहीं मिल रहा है। देखो अभी ढूंढ रहे दुकान इधर गली वाली में, उधर देख रहे हो जैसे कि अपने ओम भाई जा रहे, देखो ये रहे चलते चलते। पता नहीं दुकान मिल नहीं रहा है कि जहाँ से ग्रीस लेना है वो वाला। तो अभी बस भाई ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, पता नहीं किधर है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार ही लेने आए और लोकेशन वोकेशन का सब जुगाड़ करके आए थे। तो अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ये रहे देखे अपना भाई, बड़ी मेहनत के बाद फाइनल देखिए वो दुकान मिल चुका है सर्वो का, यहाँ से ग्रीस वीस लेने का है। तो अभी मैं दिखाता हूँ वो ओम भाई लेके आते हैं, तो बहुत ही बड़ा पैकेज है, अभी देखते हैं फिर कैसा होता है क्या होता है। हाँ 20 किलो का लेने का है फैक्ट्री के लिए, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। अभी हम लोग है गजेरा स्कूल के पास, देखिए इस तरीके का सब कुछ है मस्त एकदम। और ट्रैफिक तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब साइड लाइट दिखा रहा हूं फिर भी कोई नहीं रुक रहा है। सूरत में पता नहीं कब समझेगी पब्लिक ना, मैं मतलब ऐसे पागल हो जाने वाला हूं अगर सूरत में ही मैंने ऐसे ड्राइव किया ना, तो पता नहीं समझते ही नहीं है यहाँ के लोग क्या है क्या नहीं, मेरे को भी नहीं समझ आता है। साइड लाइट दिखा रहे फिर भी उस तरफ से निकलेंगे, तो यार थोड़ा बहुत समझो यार और ऐसे मिलजुल के ड्राइव करो अच्छी तरीके से, सुरक्षित ड्राइव करो। देखिए अपने भाई एकदम लेकर आ रहे हैं, उठ रहा है कि नहीं पता नहीं अभी से। सीट पर मुक दो। हाँ नहीं नीचे रखो ना, क्यों सीट पे क्यों रखना है, अरे नीचे रखो नीचे। तो अभी देखिए मस्त एकदम गल्फ का ले लिया है एकदम बढ़िया वाला ग्रीस, और अभी चले चलते हैं वापस घर की ओर। मस्त एकदम भाई अपने ग्रीस वीस का डब्बा लेके पहुंच चुके हैं। कहाँ पर जाना है, ऊपर ऊपर जाते हैं। 20 किलो का डब्बा आता है, पता नहीं इसके अंदर क्या कौन सा वाला ग्रीस है। अभी तो ये क्या सील पैक है, तो अभी इसको खोल नहीं सकते, वरना मैं आप लोगों को जरूर खोल के दिखाता क्या है क्या नहीं। देखिए लिफ्ट भी आ चुकी है। देखिए मस्त एकदम चाय बन चुकी है और मैं यहीं पर ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करूंगा। बज रहे हैं 4:30, सारा काम का निपटा दिया है, अभी सिर्फ मुझे गाड़ी लेने के लिए जाना है। एक एक्सेस है वो प्रतीक भाई के पास अपना पड़ा हुआ है, वो उनको क्या वो इको यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, तो उसी का सारा ताम झाम है, तो वो तो अभी मैं शाम को जाने वाला हूँ। तो बस अभी तो यही सब चल रहा है, अभी ज्यादा कुछ तो है नहीं। अभी अभी हम लोगों ग्रीस वीस का डब्बा वब्बा लेके मस्त एकदम वापस पहुंच गए हैं, और देखिए मैं अभी अपनी चाय मस्त एकदम एंजॉय करूंगा।
सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है। जब घर पर कोई नहीं होता तो आई गेस आप लोगों के घर पर भी ऐसा ही रहता होगा, और उसमें भी अकेला बंदा। मतलब मैंने तो कुछ भी काम किया नहीं है अभी तक, देखो सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। अब ये सारी की सारी चीज़ें समेट नहीं, और मैं पैकिंग करने के लिए आया हूँ वो वाले घर से ये वाले घर पर, क्योंकि कल मुझे निकलना है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और कहाँ पर जा रहा हूँ वो आपको कल वाले ब्लॉग के अंदर ही पता चलेगा। तो हाँ, बस ये पैकिंग वैकिंग करने के लिए आया हूँ, बज रहे हैं 5:30 के आसपास, तो फटाफट पैकिंग करते हैं। कल सुबह 5 बजे हम लोगों को निकलना है, कहाँ पर जाएंगे वो देख लेना। देखिए मस्त दोस्तों बाहर आ चुके हैं घर के, वो मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली, वो जो पिछला फ्रेम था वो मैंने आपको दिखा, और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यश भाई। तो वो बोल रहे थे उनका ऐसा फोन वोन आया कि मस्त एकदम, कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला चलो मैं आता हूँ थोड़ा ऐसे घूमते घूमते, और देखिए अभी पैसे तो निकाल रहे, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, निकलते हैं क्या नहीं। SBI का काम करता आप लोगों को पता ही है कैसा होता है कैसा नहीं, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं वैसे तो। और देखिए AC यहाँ पे नहीं काम कर रहे यार, पता नहीं क्या कर रही है SBI यार, ATM डाल दिया है, AC नहीं चल रहा है यार। गर्मी में लोग पैसे उठाने आते, ये तो चलो एक दो जन थे तो हो गया काम काज, अगर लंबी लाइन होती तो फिर क्या करने का। चलिए अभी निकलते हैं मस्त। तो अभी अभी हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं, और अभी मस्त एकदम खाने का प्लान हो चुका है, बज रहे हैं 7। देखिए मस्त आज खाएंगे थेपला और पियेंगे चाय, तो मस्त एकदम खाना वाना निपटा के आज भी मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो अभी अभी हम लोग जा रहे हैं गोरलो रोड पर, वहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम है वो निपटाना है, और फिर वहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे प्रतीक भाई के पास, वहाँ पर मुझे लेनी है मेरी एक्सेस उनके पास से, और फिर वो एक्सेस लेके हम लोग वापिस आ जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ प्लान अभी बना हुआ है। तो अभी देखो प्रतीक भाई मस्त एकदम गाड़ी वाड़ी छोड़ के चले जा रहे हैं। कैसा है प्रतीक भाई, जा रहे हो यार? बहुत लेट चालू नहीं, सुबह का चल रहा है ये, तो मैंने ऐसा बोला कि प्रतीक भाई को शाम को मिलवाऊंगा ऐसा। अच्छा, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं ना, 12:30 बजे 15 किलोमीटर दूर रखना है। ठीक है चलो। तो दोस्तों अभी अभी देखो मैं ऐसे मस्त एकदम तमू के ऊपर पहुंच चुका हूँ, और ये वाले ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और अगर व्लॉग अपना बहुत ही पसंद आ जाए तो फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। वो वाला लिफ्ट आ रहा है शायद, ये वाला।